भारत की तलाश। नेहरू जी ने भारत की तलाश हेतु और उसको जानने हेतु अच्छी तरह से उन्होंने अनेक प्राचीन पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन किया और वे जिस चीज़ को भारत को जानने हेतु प्राप्त करना चाहते थे उसके अध्ययन से उसे वे फिर भी उनको उस चीज़ में मिल नहीं पाया। उस समय भारत एकदम विचित्र अवस्था में था। उस समय भयंकर गरीबी से जूझ रहा था और शासकों द्वारा लोगों का बुरा हाल व समाज में मध्यम वर्ग के लोगों का आधुनिकता की ओर आकर्षित होना ये सब कुछ बेचैन करने वाला था। और नेहरू जी का झुकाव उस उच्च वर्ग की ओर न था, क्यों वे अंग्रेजों भारत तो उस समय अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था तो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हेतु वे हमेशा मध्यम वर्ग की ओर ही देखते रहे, क्योंकि मध्यम वर्ग ही ऐसा वर्ग था जो अपने आप को अंग्रेजों की जंजीरों में कैद व जकड़ा हुआ समझता था और उनके विरुद्ध में वो जाना चाहता था। और ये बात नहीं थी कि अंग्रेजों की कई शासक नीतियाँ बहुत ही अच्छी थी, सब नीतियाँ उनकी गलत थी ऐसी बात नहीं थी और उनकी कई नीतियाँ अच्छी भी थी, और लेकिन मध्य वर्ग के लोग उन लोग अंग्रेजों से उनकी संचालन क्षमता को छीन कर अपने हाथों में खींचना चाहते थे और नए जो बुद्धिजीवी वर्ग युवा बुद्धिजीवी वर्ग थे वो भारत के हित चित में जो सोचने वाले थे वो आगे बढ़कर आए। उन्होंने एहसास किया कि ये गाँव में ही इसे क्रियान्वित किया जा सकता है क्योंकि भारत गाँव का देश है और भारत की अधिकांश जनता गाँव में ही निवास करती है। उस समय बुद्धिजीवियों के समय के समक्ष भारत की ऐसी तस्वीर सामने आई जो कि एक अलग ही ढंग का था। वह वहाँ लोग वास्तविक अस्तित्व को पूर्णतः भुला चुके थे और अपने ही जीवन में मस्त रहने में लगे थे और उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। ये नेहरू जी इस कारण भी बेचैन होने लगे कि क्योंकि भारत को स्वतंत्रता दिलानी थी, भारत को आगे बढ़ाना था कि और भारत की बहुत विशेषताएं होते हुए भी भारत में अनेक विशेषताएं होते हुए भी उन्हें पराधीनता का सामना करना पड़ रहा था और असफलताओं और कमजोरियों का मुंह ताकना पड़ता है। ये सब एक दर्द भरा एहसास होता था और इसलिए इसलिए भारत की जो ग्रामीण जनता थी वो उसके ओर नेहरू जी हमेशा आकृष्ट हुए और वे क्योंकि भारत की जो ग्रामीण जनता ही भारत से पूर्णतया जुड़े हुए लगते थे और कुछ कर दिखाने की उनमें क्षमता भी दिखती थी। वे अभाव में रहते हुए भी वे भारत की आन बान और शान थे जो कि एक भारत के मध्यम वर्गों में न थी। भारत के मध्यम वर्ग के लोग क्या केवल उत्तेजना का भाव रखते थे जबकि ग्रामीण जनता भोली भाली और निरीह होते हुए भी वे भारत की धरती से जुड़े हुए प्रतीत होते थे। और नेहरू जी भी देख रहे थे इन सबको देखते हुए कि भारत की तस्वीर कुछ कुछ बदल रही है
क्योंकि वो तो पिछले 200 वर्षों से अंग्रेजों के अत्याचार झेल रहे थे, और एक उसकी भी एक सीमा होती है, और काफ़ी कुछ तो उसी के अत्याचार झेल रहे थे, जिसके कारण हमारा भारत बहुत कुछ खोखला भी हो चुका था। जो लेकिन जो कुछ भी अभी बचा है, जो भी मूल्य या धरोहर बच गई है, वह भी सार्थक है, और बहुत कुछ ऐसा भी है जो निरर्थक व अनिष्टकारी भी है।